खूबसूरत सी सुबह और आज है 3 जून 2021 और अभी हम जा रहे हैं बिनाड़ा निकालने। बिनाड़ा मतलब धान की पौध जो होती है उसको निकालने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमारी रोपाई है तो इसलिए बिनाड़ा निकालने हम जा रहे हैं। और सुबह देख सकते हैं कितना खूबसूरत चारों ओर दिख रहा है, वाह। और धूप लगी हुई है, बढ़िया सी धूप लगी हुई है। तो आज बिनाड़ा निकालेंगे और कल हमारी रोपाई होगी, और बहुत सारे लोगों की तो रोपाई हो चुकी है लेकिन अभी हमारी रोपाई होना बाकी है। तो हमको जल्दी से जल्दी बिनाड़ा निकालना होगा और बिनाड़ा निकालने में बहुत टाइम जरूर से लगता है, लेकिन बिनाड़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आज की वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। तो अभी हम सड़क में आ चुके हैं और बिनाड़ा हमने निकालना है, इस साइड निकालना है बिनाड़ा। और यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ रोपाई स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे खेतों में तो रोपाई हो भी चुकी है। और यहाँ पर बिनाड़ा है, वहाँ पर बिनाड़ा है, वहाँ पर बिनाड़ा है, और यहाँ पर भी बिनाड़ा बोरख है। बिनाड़ा मतलब धान की पौध। और यहाँ पर रोपाई हो चुकी है और हमारी बची हुई है, यहाँ पर तो केवल हमारी बची हुई है और एक दो खेत यहाँ पर बचे हुए हैं रोपाई के। तो देख सकते हैं पूरी रोपाई हो चुकी है और खेत कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और हमारी रोपाई भी कल तक हो जाएगी दोस्तों। और आज हम निकालेंगे बिनाड़ा, और हमारा बिनाड़ा है वहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो उसे हमें पूरा निकालना है और तब जाके होगी कल रोपाई। तो अभी अपने खेतों में मैं पहुँच चुका हूँ और मैं पहले आ चुका हूँ अपनी माँ और इनसे पहले। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बिनाड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, वाओ, जस्ट वाओ। और खेतों में देख सकते हैं रोपाई हो चुकी है और कितने बढ़िया लग रहे हैं खेत। और यहाँ पर हमारा बिनाड़ा है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर गधेरा बह रहा है, हिलों का गधेरा, और वहाँ पर रोपाई हो रही है। उन्होंने वो खेत बना दिया है, मतलब उसमें रोपाई होने लग चुकी है स्टार्ट। और देख सकते हैं वाओ, अभी कितना बढ़िया लग रहा है वहाँ पे। तो बिनाड़ा निकालना स्टार्ट हो चुका है अभी, और देखते हैं कि कब तक पूरा बिनाड़ा निकलता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो लगना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिनाड़ा है, तो देखते हैं कि कब तक ये बिनाड़ा पूरा निकाल पाते हैं हम। तो अभी बिनाड़े में हमने पानी लगा दिया है, और जैसे ही बिनाड़े में पानी लग जाएगा तो उसके बाद निकालने में बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सूखा सूखा तो वो निकलता नहीं है और उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है। तो बिनाड़ा निकालना स्टार्ट हो गया है अभी। निकाल दिया है और अभी बहुत सारा बचा हुआ है, और अभी लगभग 9:30 हो चुका है, और अभी तो बहुत ज़्यादा निकालना है और मौसम बहुत बढ़िया है आज। और वहाँ नीचे देख सकते हैं उनकी रोपाई पूरी हो चुकी है अभी, और हमने अभी बिनाड़ा नहीं निकाला है, हमारी रोपाई होगी कल। तो इतना बिनाड़ा वहाँ से निकाल दिया है, और अभी देख सकते हैं इतना ज़्यादा बचा हुआ है यहाँ से, और उतना ज़्यादा वहाँ पर बिनाड़ा अभी निकाला नहीं है। तो अभी देखते हैं कि कितनी देर में निकाल पाते हैं हम।
अभी हमने इतना बिनाड़ा निकाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने बिनाड़ा निकाल दिया है। और अब बस थोड़ा ही बचा है और हम थोड़ी देर में घर चले जाएंगे, लगभग 1:30 या 2 बजे तक। अभी लगभग 12:01 हो रहा है और देखते हैं कब तक हम इसे समाप्त कर पाते हैं इस बिनाड़े को। और मौसम बढ़िया है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है हो रही अभी। और यहाँ देख सकते हैं रोपाई वाले खेत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। वाह, अभी दिन के लगभग 12:10 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मुझे घर से चाय बना के लानी है। और चाय इसलिए लानी है क्योंकि चाय से थोड़ा एनर्जी आ जाएगी और अगर चाय आएगी तो काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और अपनी माँ और इनके लिए चाय बना के ला रहा हूँ ताकि थोड़ा एनर्जी आए और जल्दी जल्दी बिनाड़ा निकाले वो। तो यार चाय बना के मैं अभी ले जा रहा हूँ अपने खेत में जहाँ पर बिनाड़ा निकाल रहे हैं, और हमारे घर के थोड़े से ही नीचे पर है खेत, तो इसलिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा है और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि घर जाने में ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं सीधे घर में गया और चाय बनाई और सीधे फिर से खेत में जा रहा हूँ, और थोड़ी देर में जब बिनाड़ा निकाल देंगे तो फिर से घर आ जाऊँगा। तो मतलब खेत इतनी दूर नहीं है तो घर आके चाय बना सकते हैं, अच्छे तरीके से मज़े से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। और यहाँ नीचे पर निकाल रहे हैं बिनाड़ा और यहाँ पर चाय पहुँच चुकी है। और खेतों के बीच में चाय पीने का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल अल्टीमेट है जी, मतलब क्या ही बोले, बहुत ही गजब। और यहाँ पर रोटी के साथ है लिंगड़े की सब्जी, स्वादिष्ट प्राकृतिक लिंगड़े की सब्जी। और लिंगड़े की सब्जी का स्वाद जो है ना रोटी के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो रोटी के साथ खाते हैं इसे। तो ये है रोटी और ये लिंगड़े की सब्जी है यहाँ पर। खेतों के बीच में चाय पीने का जो मज़ा है वो बहुत ही क्या ही बोले। और खेतों के बीच में काम करते हुए अगर चाय मिल जाए तो अल्टीमेट हो जाता है चाय का स्वाद, और थकान लगी हो चाय मिल जाए मज़ा ही आ जाए। और अभी चाय तो पी ली है और रोटी भी खा ली है, तो अभी थोड़ा एनर्जी आ गई है बिनाड़ा निकालने के लिए। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है तो अभी इसको जल्दी से निकाल लेंगे, और इसको निकालने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि थोड़ा एनर्जी आ गई है। तो अभी जल्दी से हम निकाल देंगे इसे, लगभग देखते हैं कब तक निकलता है। अभी 12:49 हो चुके हैं और देखते हैं कब तक निकल पाता है बिनाड़ा। और अभी 2 बज चुके हैं और वहाँ पर रुपाई कर रहे हैं हमारे ही गांव वाले, जिनका घर वहां पर है तो वो रोपाई कर रहे हैं वहां पे, उन्हीं का घर है वहां पर और उन्हीं के बगल पे रोपाई हो रही है उनकी, उन्हीं का खेत है वो। और उन्होंने वो खेत बना दिया है, मतलब उसमें रोपाई कर दिया है, उसमें पौधे लगाने हैं, पौधे मतलब बिनाड़ा लगाना है उसमें। और यहाँ देख सकते हैं हमारा बिनाड़ा भी अब लगभग हो चुका है, हमने निकाल दिया लगभग, और अब थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब बस थोड़ा सा ही बिनाड़ा बचा हुआ है निकालने के लिए, और अब यहाँ पर बचा हुआ है केवल, तो हम इसे जल्दी से निकालेंगे और उसके बाद नहाने जाएंगे सीधे गधेरे में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और फाइनली अभी पूरा बिनाड़ा निकल चुका है यहाँ से, पूरा देख सकते हैं पूरा समाप्त हो चुका है। और जो ये मुठ बना रखी हमने, ये है मुठ, मतलब पौधों का बंडल है ये। और ये है धान की पौधे बिनाड़ा, देख सकते हैं हमने पूरा निकाल दिया है। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब कोई काम पूरा हो जाता है तो कितना अच्छा फील होता है, वाओ। नाउ फीलिंग जस्ट वाओ। तो सामने देखिए यहाँ से लेकर बिनाड़ा था और वहाँ आगे तक बिनाड़ा था और हमने पूरा निकाल दिया है, तो फीलिंग नाइस नाउ। तो अभी हमने पूरा बिनाड़ा निकाल दिया है तो अभी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, कोई भी हार्डवर्क वाला काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी भी ऐसा ही फील हो रहा है। और पीछे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कल इन खेतों में भी रोपाई हो जाएगी और ये भी बहुत खूबसूरत लगेंगे।
कितना अच्छा लग रहा है, हमने बिनाड़ा निकाल दिया है और अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इतनी ज़्यादा बिनाड़ा हमने निकाल दिया है और अभी 2:30 बज रहे हैं, लगभग 3 बजने वाले हैं अभी। तो अभी हम सीधे नहाने जाएंगे क्योंकि गर्मी भी बहुत हो चुकी है, और उसके बाद सीधे चले जाएंगे यहाँ से घर। तो अभी बिनाड़ा निकाल दिया है हमने और अभी हम नहाने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी हो चुकी है यार बहुत ज़्यादा, और गदेरा नज़दीक पे है तो नहाने का मन किसका नहीं करेगा। और घर में नहाने में मज़ा नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि हम 2-4 दिन से गदेरे में नहा रहे हैं तो घर में नहाने में तब फील नहीं आता। तो अभी गदेरे में नहा रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा तालाब है, जो बड़ा तालाब है वो ऊपर है तो वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर छोटे से तालाब में नहा रहे हैं अभी। और नहाते हैं और मिट्टी बगाते हैं पहले मिट्टी। तो अभी हम यहाँ पर नहाएंगे, देखते हैं यहाँ पर कितना गहरा है, थोड़ा गहरा भी होना चाहिए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा यहाँ पर नहाने में।